शीला न्यास के 6 वर्ष बीत जाने के बाद अब नर्सिंग स्कूल मंडी का हॉस्टल के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो पाया है। पहले जहां यह भवन 5 करोड़ में बनना था, वहीं अब इसकी लागत बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। बता दें कि मई 2017 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने नर्सिंग हॉस्टल के अतिरिक्त भवन का शिलान्यास किया था। इसका टेंडर जारी करके निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन जहां पर भवन बनाया जा रहा था वहां पर एनजीटी के नियम फॉलो नहीं हो रहे थे, इसलिए एनजीटी ने यह कार्य रुकवा दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जमीन बदलने का प्रोसेस शुरू किया और मातृ एवं शिशु अस्पताल के साथ वाली जमीन को चिन्हित किया। अब दोबारा से इस भवन का एस्टीमेट बनाया गया तो लागत सीधे 3 करोड़ और बढ़ गई। हमारा जो नर्सिंग हॉस्टल था, इसके जो है 90 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनने जा रहा है ये। और ये हमारा जो जहाँ हमारा नर्सिंग कॉलेज है उसके साथ नीचे को हमारी ज़मीन है। इसकी साइट जो हमने बड़े पहले इसकी साइट चिन्हित की गई थी और वहाँ पे जो उसका टेंडर भी लग गया था, और उसके बाद ये टेंडर लगने के बाद ठेकेदार को टेंडर दे के वो काम शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में कुछ एनजीटी वालों के कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया गया इसके बारे में, तो फिर इस हमने जो दोबारा जो ऐसे को यहाँ से शिफ्ट करके इसके साथ जो हमारे जो नर्सिंग कॉलेज है इसके साथ ही जगह हमारी उसको चिन्हित किया गया। और इसका हमारे इसकी सारी ड्राइंग बना के अप्रूवल के लिए हमारे अपने DHS भेजी थी और वहाँ से अप्रूव होकर दोबारा आ गई है। फिर हमने PW वालों को इसका एस्टिमेट के लिए बोला था कि रिवाइज एस्टिमेट कि कितना बनेगा। जैसे पहले इसका एस्टिमेट 5 करोड़ था, तो आज हमारे को इनका जो एस्टिमेट मिला है वो मिला है 8 करोड़ का। और ये 90 बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और इसमें जो है एक ग्राउंड फ्लोर होगा, एक फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर होगा। और हॉस्टल की जो पूरी फैसिलिटी जिसमें होती है उस तरह से पूरा हॉस्टल जैसे होता है उसी तरह से बनेगा।